नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश वर्मा और आप सभी लोगों का एक बार पुनः री एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। एक महत्वपूर्ण टॉपिक आज आप लोगों के बीच में मैं लेक्चर में ले रहा हूँ, निबंध परिचर्चा के रूप में। आगे लोक सेवा आयोग के द्वारा संचालित कई परीक्षाएं हैं जो मुख्य परीक्षा के स्तर पर संचालित हो रही हैं। इसमें खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा और समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा और PCS 2020 के मुख्य परीक्षा, इन तीनों में ही निबंध का एक महत्वपूर्ण सेशन होता है। हमारे बीच से कई ऐसे अभ्यर्थी थे जो लगातार परीक्षा दे रहे थे और बार बार मेंस में उनके निबंध में मार्क्स बहुत कम आ रहे थे। कई प्रकार की समस्याएं थी और उन समस्याओं का अध्ययन और निष्कर्ष जो है मैंने तीन बिंदुओं में रखने का प्रयास किया है। उन तीन बिंदुओं में अगर अध्ययन किया जाएगा तो निबंध की ज़्यादातर समस्याएं उसमें सॉल्व हो जाएंगी और ये उम्मीद है कि आप लोगों के स्तर में, चाहे वो अवधारणात्मक स्तर की बात हो, चाहे वो शब्द सीमा की बात हो, ढांचा की बात हो, शैली की बात हो, कुछ निबंध को चयन करने की समस्या हो, लगभग चीज़ें जो है वो निस्तारित होंगी इसके माध्यम से। तो हम इन सारे सवालों को तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं में लिए हैं, तो आइए हम इस पर एक एक करके चर्चा करते हैं। निबंध परिचर्चा के अंतर्गत तीन बिंदुओं में, पहला बिंदु परंपरागत बनाम समसामयिक निबंध है, दूसरा कुछ चयनित महत्वपूर्ण निबंध है और तीसरा निबंध की भाषा, आकार और ढांचा। ये तीसरा भी सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको लेकर के लगातार सवाल उठते रहे हैं और कई अभ्यर्थियों ने परीक्षा में उसी तरीके से लिखा लेकिन दो अभ्यर्थियों के मार्क्स अलग रहे, तो इस बात को जानना आवश्यक है कि उसमें क्या मूल रूप से अंतर रहे होंगे जिसके कारण से एक अभ्यर्थी के मार्क्स कम और दूसरे अभ्यर्थी के मार्क्स ज़्यादा। तो हम परंपरागत वर्सेस समसामयिक निबंध को देखते हैं। लगातार प्रतियोगी जगत में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के बीच में यह चर्चा का विषय रहा है कि कौन से निबंध इस बार के लिए महत्वपूर्ण है, कौन से करंट अफेयर्स से रिलेटेड निबंध आ सकते हैं, कौन वर्तमान समय में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों को कवर कर रहा है, ऐसे निबंध की तलाश को लेकर के अभ्यर्थी परेशान रहते हैं। निश्चित तौर पर समसामयिक जो भी सेक्शन है, समसामयिक टॉपिक से निबंध अक्सर पूछे जाते रहे हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा रहा है, लेकिन हम परंपरागत निबंध पर अगर उसके महत्व को देखें तो ये बात निकल करके सामने आती है कि अगर हम तीन सेक्शन में जो भी निबंध पूछे जाते हैं उसमें परंपरागत निबंध की संख्या को अगर देखें तो तीन तीन के सेक्शन में 9 निबंध पूछे जाते हैं। PCS की अगर बात किया जाए, बाकी अलग अलग परीक्षाओं में थोड़ा सा परिवर्तन है लेकिन कमोबेश लोक सेवा के द्वारा संचालित जो भी परीक्षाएं हैं उसमें निबंध कुछ इसी पैटर्न पर पूछे जा रहे हैं। तो अगर PCS की बात किया जाए तो वहां पर तीन तीन निबंध और तीन खंड में 9 निबंध पूछे जा रहे हैं और अभी भी पिछले 10 वर्षों के लोक सेवा आयोग के द्वारा संचालित होने वाली मुख्य परीक्षा के अगर प्रश्न पत्रों में निबंध का विश्लेषण किया जाए तो ये निष्कर्ष निकल करके सामने आता है कि वहां पर 7 या 6 निबंध ऐसे आ रहे हैं जो अभी भी परंपरागत हैं, 2 या अधिकतम 3 निबंध समसामयिक मुद्दों से आते हैं, सामान्यतः 1 या 2 निबंध ही इस तरीके से होते हैं। तो आपके पास लगभग 6 या 7 निबंध ऐसे हैं जो परंपरागत टॉपिक से आते हैं। अब हम आते हैं परंपरागत टॉपिक में कौन से निबंध आ सकते हैं, इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अगर 10 वर्षों के पेपर को देखा जाए तो उसमें कृषि, महिला, आपदा प्रबंधन, आतंकवाद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साहित्य समाज का संबंध, इस तरीके के जो निबंध रहे हैं बेसिकली कुछ लोकतांत्रिक मूल्य से हैं और इसी तरीके से कुछ ग्लोबलाइजेशन इत्यादि से संबंधित सवाल पूछे गए हैं। तो पिछले 10 साल के अगर निबंध का विश्लेषण किया जाए तो हमारे सामने 15 से 18 टॉपिक ऐसे आते हैं जिनसे संबंधित सवाल बार बार पूछे जाते रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर परंपरागत निबंध पर बातचीत करने का केवल एक यही निहितार्थ है कि हमें समसामयिक निबंध को देखना चाहिए, नो डाउट तैयार करना चाहिए, परंतु हम परंपरागत निबंध को भी विशेष रूप से तैयारी करें क्योंकि वहां से 6 से 7 निबंध पूछे जाते हैं और अगर पिछले 15 साल के जो भी निबंध पूछे गए हैं उन निबंध से संबंधित टॉपिक का बहुआयामी, एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना आवश्यक है कि बहुआयामी संदर्भों में उसका अध्ययन होना आवश्यक है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पूर्व के जो भी निबंध आए हैं
उनसे थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए निबंध लोक सेवा आयोग ने पूछा है। इसलिए अगर हम किसी भी टॉपिक के दोनों संदर्भों को लेकर के या बहुआयामी संदर्भों को लेकर के निबंध को तैयार करते हैं तो एग्जाम में अगर परिवर्तन के साथ भी वो निबंध पूछा जाता है तो हम निबंध को 800 से 900 या 1000 शब्दों में लिखने में जो है सक्षम हो पाएंगे। जैसे एक उदाहरण हम देते हैं यहाँ पर, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अगर यह एक बहुत ही लोकप्रिय परंपरागत निबंध है, इस निबंध को अगर तैयार किया जाए तो इसे परिवर्तन के साथ भी पूछे जाने की संभावना है। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को देखा जाए तो इसका मानव जीवन पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है, नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है। इसने मानव जीवन को आसान बनाया है परंतु उसके सामने कुछ चैलेंजेस भी उसने क्रिएट किए हैं। तो हम अगर इस निबंध को तैयार करते हैं तो निश्चित तौर पर इस निबंध को बहुआयामी संदर्भों में, चाहे वो मानव जीवन को आसान करने से संबंधित हो, चाहे उसके सामने चैलेंजेस या चुनौतियां पेश करने से संबंधित हो, तो हमें दोनों ही पैटर्न को ध्यान में रखना है और इस तरीके से हम अपने निबंध को पूर्ण रूप दे पाएंगे। उसमें सुझाव भी रखेंगे, सरकार की नीतियों की अपेक्षा करेंगे और निष्कर्ष भी लिखेंगे। तो इस तरीके से व्यापक संदर्भ में ये निबंध आप लोगों के सामने बनेगा और अगर ये कुछ परिवर्तन के साथ भी एग्जाम में पूछा जाता है तो भी आप इसके उत्तर को लिखने में सफल होंगे। यहाँ पर यह एक उदाहरण दिया जा रहा है, यह भी आ सकता है या इससे मिलता जुलता भी निबंध कोई आ सकता है। यहाँ पर यह उदाहरण आपको समझने और समझाने के लिए दिया जा रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो पहला टॉपिक है परंपरागत वर्सेस समसामयिक निबंध, इसके अंतर्गत हम परंपरागत निबंध की संख्या और उसके महत्व को रेखांकित करते हुए ये बताना चाहते हैं कि आप समसामयिक जो निबंध हैं उसको देखने के साथ साथ परंपरागत निबंध अवश्य देखें और उसको बेहतर ढंग से तैयार करें, क्योंकि परंपरागत निबंध जितना बेहतर ढंग से आप एक ढांचे के अंतर्गत तैयार कर सकते हैं उतना बेहतर ढंग से शायद समसामयिक निबंध की तैयारी न हो सके, चाहे वो मैटर के लेवल पर हो, चाहे वो व्यवहार में लेखन शैली के स्तर पर हो। क्योंकि जितने भी परंपरागत निबंध हैं उसके कॉन्सेप्ट से हम बहुत पहले से परिचित होते हैं, अगर हम उसको एक व्यवस्थित ढांचे के अंतर्गत बांध कर रखते हैं तो एग्जाम में उसको धारा प्रवाह लिखने में हमें कोई समस्या नहीं आती है, हमें लिखने में भी कॉन्फिडेंस होता है, राइटिंग भी हमारी बेहतर होती है और समय प्रबंधन भी हम बनाए रख पाते हैं। तो इस तरीके से हमारा परंपरागत निबंध के टॉपिक, जिसमें कि लगभग 15 से 18 निबंध होंगे, उसे देखना बहुत जरूरी है। अब रही बात समसामयिक निबंध का, तो समसामयिक निबंध उस समय की एक आर्थिक क्षेत्र की, एक राजनीतिक क्षेत्र की और एक कोई जो सांस्कृतिक या इस तरीके के विषयों से संबंधित होती है वहां से निबंध बन सकता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के 2 से 3 निबंध है जिसपे बेहतर ढंग से समसामयिक निबंध की भी तैयारी कर लेनी चाहिए। अगर वहां से आता है निबंध तो आप लिखिए, अदरवाइज आपका परंपरागत सेक्शन हमेशा के लिए सुरक्षित है। और इसकी एक खास और भी बात है कि अगर परंपरागत निबंध हम बेहतर ढंग से ढांचे के अंतर्गत तैयार करते हैं और उसको अपने नोट्स में बना करके फाइल में लगा के रखते हैं तो आने वाले प्रत्येक एग्जाम के लिए हम वहां से लाभान्वित हो सकेंगे। बार बार हमें निबंध जैसे विषय पर अनावश्यक समय, ऊर्जा, शक्ति और संसाधन को खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। तो इस तरीके से परंपरागत निबंध के महत्व को हमेशा बनाए रखिए, उस पर जरूर तैयारी कीजिए और समसामयिक निबंध अगर आता है तो डेफिनेटली वहां से तैयारी जरूर कीजिए। जैसे समसामयिक निबंध में अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां एवं उससे निपटने के उपाय। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो लॉकडाउन COVID-19 के कारण से जो भी आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं उसके कारण से अर्थव्यवस्था पे बहुत ही प्रभाव पड़ा है, लोगों के रोजगार छीने हैं, इनकम पर फर्क पड़ा है, तो इससे अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। तो एक निबंध यहाँ पर जो है इकोनॉमिक सेक्शन से जो है बन सकता है। तो एक यहाँ पे होना चाहिए, दूसरा एक देश एक चुनाव, एक कॉन्सेप्ट महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से ये इकोनॉमिक्स का सेक्शन हो गया, राजनीतिक क्षेत्र से
एक देश एक चुनाव की मांग लगातार चलती रही है। इस टाइम भी कुछ राज्यों के चुनाव हुए हैं, आने वाले समय में भी कुछ राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, तो एक निबंध यहाँ से बन सकता है। तो इस तरीके से समसामयिक निबंध के अंतर्गत ये दो महत्वपूर्ण टॉपिक बन रहे हैं जहाँ से निबंध आ सकता है और इसको देखना चाहिए। इसी तरीके से कृषि को अगर देखा जाए तो कृषकों की आय और वर्तमान में राष्ट्रीय कृषि नीति, ये तीन महत्वपूर्ण जो है निबंध है, इसको अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि समसामयिक मुद्दों से संबंधित भी आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी, जिससे एग्जाम में निपटने में आपको आसानी होगी। न केवल आसानी होगी बल्कि एग्जाम देने के दौरान रास्ते में जाते समय आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट होगा, एक आत्मविश्वास होगा जो परीक्षा में आपको मदद दिलाएगा डेफिनेटली। तो इस तरीके से मैंने तीन निबंध जो है समसामयिक के अंतर्गत पॉइंट आउट किया और परंपरागत निबंध के अंतर्गत खंडवार जो कि तीन खंडों में विभाजित होता है, पांच पांच निबंध चयनित किए गए हैं परंपरागत सेक्शन से, कुल मिलाकर के 15 निबंध चयनित किए गए हैं। अब आते हैं तीसरे महत्वपूर्ण बिंदु पर, यह है निबंध की भाषा, आकार और ढांचा। यह तीसरा जो बिंदु है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह एग्जामिनर के माइंड को चेंज करने, उसके दिमाग में एक अच्छा इमेज बनाने, अपने निबंध को प्रभावी करने और अच्छे मार्क्स प्रदान करने में बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। आइए हम इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। निबंध की भाषा, निबंध एक ऐसा विषय है जो ये ऐसा टॉपिक है जिसमें अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग, चाहे वो साइंस सेक्शन से आ रहे हो, साइंस स्ट्रीम से आ रहे हो, मैथ से आ रहे हो, या आर्ट्स से आ रहे हो, या कॉमर्स से आ रहे हो, अगर सिविल सर्विसेज के एग्जाम को प्रिपेयर में अपीयर हो रहे हैं तो सभी लोगों के लिए एक समान निबंध पूछा जाता है। इसका तात्पर्य कहने का केवल यही है कि उन सभी लोगों के लिए यदि समान निबंध पूछे जा रहे हैं तो वहाँ अपेक्षा ये किया जाता है कि आपके निबंध की भाषा सरल होना चाहिए, सहज होना चाहिए, और जब सरल और सहज होगा तो आपकी लेखनी निश्चित तौर पर पंक्तियों पर धारा प्रवाह रूप में चलेगी, और धारा प्रवाह जब बनेगी तो एक वाक्य दूसरे वाक्य से अंतर संबंधित होगा और इस तरीके से आपके निबंध को जोड़ता हुआ आगे बढ़ेगा और प्रभावी भी बनाएगा और सरल भी रहेगा। तो इस तरीके से आपकी भाषा सरल और सहज होना चाहिए निबंध का, सरल और सहज निबंध के साथ आपके शब्द यानी कि शब्दों की वर्तनी की गलतियां नहीं होगी, उसमें त्रुटियां नहीं पाई जाएंगी, जिससे आपको और भी आत्मविश्वास आएगा। जैसे एक उदाहरण आप मान लीजिए कि आप कोई भी पैराग्राफ, ऐसा होता है एग्जाम में और मैं समझता हूं कि लगभग लोगों के साथ होगा कि अगर एक 10 लाइन का कोई पैराग्राफ कोई लिख रहा है, अब उसमें अगर एक पैराग्राफ में 4 से 5 शब्दों में अगर त्रुटि हो गई तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल लूज होने लगता है कि क्या हो गया है जो इस तरीके से गलती हो रही है, तो उसमें व्यक्ति कंफ्यूज करता है। तो ऐसी स्थिति में यदि भाषा सहज और सरल है तो आपके वाक्य भी छोटे होंगे, अंतर संबंधित होंगे, उसमें धारा प्रवाह बनेगा, त्रुटियां होने की गुंजाइश बहुत ही कम होगी। तो इस तरीके से भाषा जो है आपका सरल होना चाहिए। दूसरा, इसके आकार को लेकर के चर्चा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है कि निबंध का आकार क्या होना चाहिए, कितने शब्द लिखना चाहिए, एक पेज में कितना लिखना चाहिए, इस पे भी लगातार लोगों ने सवाल पूछा है। तो इस पे चर्चा हम करना चाहेंगे कि आकार के लिए वर्तमान समय में जो लोक सेवा आयोग ने कापियों के प्रारूप को बनाया है उसमें उसने एक निबंध के लिए निश्चित पेजेज निर्धारित कर दिया है और आपको उन्हीं पेजेस पे लिखना है। तो कुल मिलाकर के आकार को लेकर के समस्या काफी हद तक साल हो गई है, और जो बची हुई है वो ये है कि एक पेज में कितने शब्द होने चाहिए। सामान्यतः जिस तरीके से पैटर्न है पेजेस के, ब्लैंक कॉपियां हैं, तो अगर एक ऐसे शब्द लिखे जाए जो उचित लगते हैं, जो किसी भी व्यक्ति को आकर्षित करते हैं, वह अगर सामान्य शब्द लिखे जाए तो एक लाइन में 6 से 7 शब्द हो सकते हैं, और इसी तरीके से 20 या 18 या 20 इस तरीके की जो है पंक्तियां उसमें ऊपर से नीचे बन सकती हैं, तो टोटल आपके 110 से 120 शब्द, 110 से 115 शब्द एक पेज में आएंगे, और वहां पर
पेजेस की संख्या निबंध के लिए जो निर्धारित और निश्चित की गई है वह 8 से 9, किसी में 8.5 है, किसी में 9 पेज है। तो इस तरीके से लगभग 1000 शब्द आपके निबंध के लिए निश्चित बन रहे हैं और आप अपने निबंध की तैयारी 1000 से लेकर के 1200 शब्दों के बीच में कीजिए और लिखने का एक कॉन्सेप्ट डेवलप कीजिए, एक अवधारणा डेवलप कीजिए, जिससे कि आपके आकार को वहां पर लेकर के किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। कई बार ये बताया गया कि लिखने के दौरान शब्द ही कम पढ़ने लगते हैं या कलम रुकने लगती है, ऐसी सब समस्याएं उस टाइम पे आती हैं जब निबंध की अवधारणात्मक समझ नहीं होती है। अवधारणात्मक समझ का होना बहुत जरूरी है। यह अवधारणात्मक समझ पर आधारित पूर्व में तैयारी के लिए तकनीक और रणनीतियों की चर्चा करने के दौरान हमने बताया था, यहाँ पर हम संक्षिप्त में पुनः उल्लेख कर देंगे अवधारणात्मक समझ को लेकर के, क्योंकि मुख्य परीक्षा में आपके सामने अगर हिंदी के पेपर को छोड़ दिया जाए तो वर्तमान समय में जो लोक सेवा आयोग का पैटर्न है बेसिकली लगभग लगभग क्वेश्चन आपके अवधारणाओं पर आधारित है। ये बात और है कि कुछ सवाल 50 शब्दों के भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन वहां भी कॉन्सेप्ट की जरूरत है, क्योंकि रट करके आप 100% चीजों को प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में आपसे ये उम्मीद और अपेक्षा की जाएगी कि आप अवधारणात्मक समझ जीएस को लेकर के डेफिनेटली कीजिए, और ऐसा करके ही आप अपने उत्तर को प्रभावी बना सकते हैं, कॉन्फिडेंस पैदा कर सकते हैं, उत्तर लेखन को बेहतर बना सकते हैं। और तो अवधारणाओं की समझ आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। जैसे इससे पूर्व के वीडियो में भी मैंने उल्लेख किया था अवधारणात्मक समझ को लेकर के, तो मैं यहाँ पर एक उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे उस दिन मैंने वैश्विक उष्मन का दिया था, तो आज मैं उसको यहाँ पे संक्षिप्त में अगर मान लेते हैं ये आपका टॉपिक है और वैश्विक उष्मन पर लिखना है, तो वैश्विक उष्मन ऐसा नहीं कि आपके माइंड को जो है एसडी कार्ड की तरह से है, उसमें आप चीजों को डाल दिए हैं और कमांड उसको देना शुरू किए तो सारी चीज निकल करके सामने आ जाएगी। ये आपके समझ पर निर्भर करती है कि आप कितना अपने लेखनी को आगे बढ़ाते हैं। तो ये चीजें जब आप इसका कॉन्सेप्ट निबंध का या अवधारणात्मक समझ का विकसित कर लेंगे तो किसी टॉपिक को लिखना कठिन नहीं होगा। जैसे इसमें वैश्विक उष्मन का एक जो है परिचय आप दे दिए, अब परिचय चूंकि वैश्विक उष्मन एक पर्यावरणीय और जलवायु परिवर्तन से संबंधित समस्या है, तो आपको थोड़ा सा उसमें किसी सम्मेलन के उदाहरण को लेकर के आप दे सकते हैं, या प्राचीन काल से मानव और पर्यावरण के बीच में किस तरीके से तादात्म्य संबंध था, किस तरीके से चोली दामन का संबंध था, वहां से उदाहरण दे करके और संपत्ति के उदय को लेकर के उसके बाद व्यक्ति की जो महत्वाकांक्षाओं में बढ़ने, प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन होने और उसके साथ ही पर्यावरणीय समस्याओं का उत्पन्न होने और वैश्विक उष्मन यानी कि प्रदूषण बढ़ने के साथ साथ एक लेयर बनने और वातावरण का गर्म होने, जलवायु परिवर्तन होने तक को एक ऐतिहासिक क्रम में आप उसका परिचय दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपका एक जो है परिचय उसमें बनेगा, दूसरे में जो है आप अर्थ और परिभाषा दे सकते हैं। अर्थ और परिभाषा दे सकते हैं। तो इसमें आप सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इसमें आप जो है किसी विचारक विचारक की जो पंक्ति को भी जो है कोट कर सकते हैं, विचारक की पंक्ति को भी कोट कर सकते हैं। इससे आपका जो निबंध है वो काफी प्रभावी होगा और उसमें परीक्षक को यह सोचने के लिए विवश करेगा कि आपकी पढ़ाई भी बेहतर है, वो धरातल पर जाकर के पढ़ाई की गई है। तो इसलिए विचारक का अगर कहीं पे कोई कोट है तो उसको आप जरूर डालिए। अर्थ और परिभाषाएं हो गई। इसके बाद वैश्विक उष्मन के आप कारण पर चले जाइए, क्या कारण रहे हैं वैश्विक उष्मन के कारण के साथ साथ आप इसके जो है दुष्प्रभाव पर चले जाइए। दुष्प्रभाव के बाद आप
इसके जो है उपाय पर चर्चा कर लीजिए। इसमें बाधाएं क्या आ रही हैं इस पे चर्चा कर लीजिए। इसमें जो है निष्कर्ष, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं सात पॉइंट बन रहे हैं, और ये सातों पॉइंट को अगर आप डिटेल में लिख देते हैं तो निश्चित तौर पर कोई भी निबंध होगा वो अपने आप इस पैटर्न में आ जाएगा, और इससे ज्यादा जो है निबंध की ना तो एग्जामिनर को ना तो कमीशन को जो है आपसे अपेक्षा है। और अगर इस पैटर्न पर किसी भी महत्वपूर्ण टॉपिक की अगर आप तैयारी करते हैं तो न केवल निबंध में बल्कि वो जीएस के सभी पेपर में समान रूप से आपके लिए उपयोगी होगा, विज्ञान तकनीक के जो पेपर में आपका जो है मदद करेगा। और निबंध में चूंकि जिस तरीके के जो है सिलेबस को, जिस तरीके के टॉपिक को जो है शामिल किया गया है, वो टॉपिक अगर पूरी तरीके से जो है देखा जाए तो सभी पेपर में मिला करके आ सकते हैं, वो सारे टॉपिक जो है सभी पेपर में कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएंगे, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक समस्याएं हो, आपदा हो, आतंकवाद हो, साहित्य का क्षेत्र हो, तो ये सारे जितने भी निबंध में टॉपिक रखे गए हैं वो सारे टॉपिक कहीं ना कहीं जीएस के भी पेपर में महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए कि आपकी तैयारी डेफिनेटली अवधारणात्मक स्तर पर होनी चाहिए, अवधारणात्मक समझ आपको तभी विकसित हो पाएगी जब किसी भी विषय को लिखने का एक क्रमागत ढांचा आपके पास हो, और ये क्रमागत ढांचा इस पैटर्न में होगा। ये एक समस्या जनित जो है टॉपिक है, इसलिए ऐसा होगा। कुछ ऐसे भी टॉपिक हो सकते हैं जिसमें आपको उसके विशेषताओं को भी डालना पड़ सकता है, उसके गुण को डालना पड़ सकता है, उसके दोष को डालना पड़ सकता है। तो इस तरीके से अलग अलग निबंध है जिसके क्रमागत ढांचे अलग अलग हो सकते हैं। अब ये समस्यात्मक था तो इसमें ऐसे क्रमागत ढांचे बने हैं, कुछ विशेषताओं से संबंधित होंगे, कुछ में गुण दोष, जैसे लोकतंत्र की बात अगर किसी ने कर दिया तो उसकी लोकतंत्र की विशेषताएं भी होंगी, लोकतंत्र के गुण होंगे, लोकतंत्र के दोष होंगे, लोकतंत्र के में कैसा बेहतर ढंग से सुझाव दिया जाए जिससे वो व्यवहारिक स्तर पर जो है लागू हो सके। तो इस तरीके के जो है अलग अलग निबंध में अलग अलग प्रकार के जो है क्रमागत ढांचे होते हैं। किसी भी महत्वपूर्ण टॉपिक पर क्रमागत ढांचों का विकास आपके अंदर जरूर होना चाहिए, और ऐसा करके ही आप एक अवधारणात्मक समझ विकसित कर पाएंगे, और अवधारणात्मक समझ अगर विकसित हो गई तो निश्चित तौर पर आप ये मान के चलिए कि आपको एग्जाम में बेहतर लिखने से कोई नहीं रोक पाएगा, और आप ये सुनिश्चित हो सकते हैं कि अगर आपने बेहतर लिखा है तो अच्छे मार्क्स पाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो इस तरीके से आकार को लेकर के जो है यहाँ पर मैंने चर्चा किया, और ये महत्वपूर्ण है, और उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके से अपनाने पर आपको लाभ मिलेगा। अगला है ढांचा। ढांचा ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको जानना जरूरी है कि निबंध किस ढांचे के अंतर्गत लिखा होना चाहिए। अब वर्तमान समय में वहां पर आपके सामने क्वेश्चन दिया होगा और उसके नीचे आपको पर्याप्त जगह दिया गया होगा, स्पेस दिया गया होगा जिसमें आपको निबंध लिखना है। तो किसी भी निबंध को लिखने के दौरान आप उसका यहां पर ये देखिए कि उत्तर के लिए अगर ये कॉपी का जो है स्वरूप है, ये लाइन खींचा हुआ, इसके साइड में भी इसके दोनों साइड में भी स्पेस वहां पर होता है। ये आपको सुनिश्चित कर लेना है कि दोनों साइड के जो है, इस साइड के दोनों मार्जिन पेज पर मार्जिन जो है वो परीक्षक के द्वारा आपके निबंध का मूल्यांकन करने के बाद अंकित किए जाने वाले टिप्पणी के लिए छोड़ा गया स्थान है। आप सुनिश्चित हो लीजिए कि इस स्थान पर आपको कुछ भी अंकित या लिखना नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से ये उत्तर लिखने के दौरान ही नहीं बल्कि प्रशासन और जीवन में भी आपके अनुशासनहीनता के दायरे में आएगा, जो कि आपके मार्क्स को कम करने के लिए पर्याप्त कारण भी बनाएगा। तो ऐसी स्थिति में इस लाइन में कृपया करके कुछ भी दाएं या बाएं किसी भी दशा में न लिखें, आपके लिए ये जगह उपयुक्त है और आपको इसमें ही लिखना है। आपके लिए अगर यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन 1, और यहाँ पे जो है आपको 3 का
ऐसे प्रश्न होंगे वो नीचे क्रम में रहेंगे और यहां पर आपको लिखना है प्रश्नोत्तर। अब जो भी है, अगर वन का है तो वन लिख करके, और अगर खा है मान के चलिए तो ऐसा आपको खा ये लिख देना है प्रश्नोत्तर। ये आपको इसी लाइन के अंदर लिखना है, इस लाइन के बाहर आपको किसी भी दशा में कुछ नहीं लिखना है, और आपके लिए केवल और केवल दोनों लाइन के बीच में दी गई जगह में ही अपने उत्तर को अंकित करना है। यहां पर इस तरीके से लिखने के बाद आप यहां पर उत्तर प्रारूप डाल देंगे, और उसके बाद जो भी टॉपिक होगा, मान लीजिए अभी मैंने जो वैश्विक उष्मन का टॉपिक बताया, तो वैश्विक उष्मन के अंदर का जो क्रमागत ढांचे और बिंदु थे, आप यहां से ऐसे एक एक करके यहां तक आप अंकित कर देंगे। इसके बाद आप नए पैराग्राफ से बिना किसी हेडिंग को डाले आप लिखना शुरू करेंगे। आप एक बात सुनिश्चित कर लीजिए कि कोई भी पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो यहां से आपको लिखने के लिए जगह होगा, लेकिन आपको लिखना यहां से प्रारंभ करना होगा। यहां से आप लिखना प्रारंभ करेंगे और दूसरी लाइन आपको ऐसे पूरा लिखना है। अंत में जब आप यहां पे किसी भी पैराग्राफ को कंप्लीट करेंगे तो पुनः अगला पैराग्राफ आपको यहां से स्टार्ट करना है। इस तरीके से जो है पैटर्न पर आपको पूरे निबंध को लिखना है। यहां पर उत्तर प्रारूप डाल देंगे और उत्तर प्रारूप में उन बिंदुओं को, हाइलाइटेड बिंदुओं को पूरे डाल दिए जाएंगे जिसके बारे में हम पूरे निबंध में लिखना चाह रहे हैं। ऐसा करने से परीक्षक पहले ही ये समझ लेता है कि अभ्यर्थी के द्वारा, परीक्षार्थी के द्वारा किन बिंदुओं को उसमें लिखे जाने का प्लान बनाया गया है। इससे पूरा पढ़कर और उत्तर को जानने के पहले ही वो आपके निबंध के बारे में एक आकलन कर लेता है, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपकी राइटिंग कुछ प्रभावित हो, वो ना पढ़ने के कारण से आपको काफी कम मार्क्स दे सकता है। तो अगर इस तरीके के पैटर्न पर आपके द्वारा उत्तर लिखा जा रहा है तो निश्चित तौर पर निबंध में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और मेरे द्वारा जो भी 14 से 15 PCS के अलग अलग परीक्षाओं के मुख्य परीक्षा में शामिल होने और उसके अंक मिलने का अनुभव रहा है, वह हमेशा से अच्छे मार्क्स मिले हैं। और इस पैटर्न पर, इस ढांचा, आकार, भाषा शैली के आधार पर अगर निबंध लिखने का आप प्रयास करते हैं तो यकीनन आप 1 से 10 से 115 तक मार्क्स आप 150 नंबर में प्राप्त कर सकते हैं, और जो कि आपको मुख्य परीक्षा में अच्छे पद दिलाने में आपका मदद करेगा। तो इस तरीके से निबंध के संदर्भ में अभी तक पूछी गई क्वेरी को इसमें मैंने शामिल करने का प्रयास किया। और यहाँ पर दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है इसके कि चयनित महत्वपूर्ण निबंध, इसके अंतर्गत कुछ परंपरागत चयन किए गए निबंध हैं जिसके लिंक को आपके डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, और वो लिंक आपके टेलीग्राम चैनल का है, वहाँ पर जाकर आप उसे देख सकते हैं और उसके आधार पर अपने निबंध की तैयारी कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा में जाने से पहले अपने आप को आत्मविश्वास मिला सकते हैं, समय का प्रबंधन कर सकते हैं, और इस तरीके से आपकी समस्याएं काफ़ी कुछ सॉल्व होती हुई नजर आएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर फायदा मिलेगा, आप इसको अपनाने का प्रयास कीजिए। निबंध के साथ साथ अन्य और पेपर GS हिंदी इत्यादि की भी आप बेहतर ढंग से तैयारी कीजिए, और पुनः हम अगले लेक्चर में, एक नए वीडियो में, जो कि आपके लिए बहुत ही परीक्षा उपयोगी होगा, हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक आप बेहतर ढंग से तैयारी करते रहिए। नमस्कार।